हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार। मैं आपका कंप्यूटर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कंप्यूटर सिंपल ही सबको देखा ही होगा। ठीक है, मोबाइल एक तरह कंप्यूटर है और कंप्यूटर का बहुत सारा टैक्स भी है, तो आज मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सिर्फ सिंपल सा चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। ठीक है, और उसको बनाने में बहुत उसको टाइम लगा था। पहले का जो कंप्यूटर होता था बहुत बड़ा बड़ा, बिल्कुल जैसे एक कमरे के से भी बड़ा था, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा रहता था। ठीक है, तो अभी हम कंप्यूटर के बारे में जो पढ़ेंगे वो सिंपल सा दो तरीका के बारे में पढ़ेंगे जो कंप्यूटर का टाइप्स बताएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर। सेकंड है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों फर्क है। सॉफ्टवेयर का हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम को सिर्फ हम लोग महसूस कर पाते हैं, ना कि उसको हम टच कर पाते हैं। और हार्डवेयर, हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं। हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, पेन ड्राइव, एटीसी, ये सभी को हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। इसका सभी तरह का हार्डवेयर, बहुत सारा हार्डवेयर मिल के एक कंप्यूटर का निर्माण करता है। फिर उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है जिससे कंप्यूटर तैयार हो जाता है। अगर कंप्यूटर में हम लोग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी एक चीज को अगर हटा दें तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहेगा, वो काम नहीं करेगा। आज हम लोग थोड़ा सा यही जानेंगे, लेकिन अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, बाद में बताया जाएगा। आज हम बताएंगे हार्डवेयर में हम लोगों को पता है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे मॉनिटर, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ना कि हम लोग उसको फील कर सकते हैं। तो फील करने के लायक, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, जैसे लव, लव को भी हम लोग फील ही करते हैं, उसी तरह फील करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को जिस तरह हमने एग्जाम्पल दिए, गेम होता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। उसमें हम लोग मारते हैं, क्या बोलते हैं, इनिमीज जो होते हैं उनको हम लोग मारते हैं गन्स लेके, तो हम लोग फील ही करते हैं कि हम इनिमीज को मार दिए, लेकिन ऑर्डिनरी मार थोड़ी देते हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर जो होता है उसको फील करते हैं। और इस टाइप का सॉफ्टवेयर में जैसे सबसे पहला तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में OS बोलते हैं। जितना भी कंप्यूटर होता है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज XP, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 7 ये हो गया कंप्यूटर में। उसके बाद जो मोबाइल हम लोग चलाते हैं, मोबाइल में भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे सब जानता होगा एक चीज़ के बारे में, एंड्रॉयड, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कंप्यूटर का सॉरी अगर मॉनिटर का जितना भी चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं वो हम लोग पूरी तरह से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के कारण देख पाते हैं। मोबाइल का जितना भी पार्ट्स होता है, कभी अगर हार्डवेयर खराब हो जाए, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर उसमें रहता है। फिर उसमें हार्डवेयर जैसे हम लोग चेंज करते हैं, जैसे बैटरी मान लो खराब हो गया, बैटरी हम लोग उसमें लगा दिए तो बैटरी से फिर ऑन हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो पाता है, सॉफ्टवेयर के कारण वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो फिर बिना सर्विस सेंटर को भी कमी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल में। ठीक है, ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसी तरह करके OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सॉफ्टवेयर आता है, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको अलग तरीके से अपने यूज के कारण, अपने जरूरत के हिसाब से उसमें यूज करते हैं। जैसे हम लोग अपना सीट बनाते हैं, या फिर जो हम लोग नोट्स बनाते हैं, बुक बनाते हैं, बुक का जो रिटेन होता है, जितना भी लिखावट होता है,
वो सब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं, जिसमें ओएस में ही उसके बाद आ जाएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, ये सब टाइप का जितना भी है ये सब सब सॉफ्टवेयर है, इसका यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर को चलाने में या फिर मोबाइल को चलाने में। ठीक है, इसके बाद ठीक है तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन टाइप का, कहानी टाइप का। अब थोड़ा सा आगे आते हैं जो कि हम लोगों का एग्जाम में आता है, नॉर्मल सा है लेकिन कोई इसमें ध्यान नहीं देता है और एक नंबर हम लोग मान लीजिए छूट जाता है या फिर जो भी है एग्जाम के तौर पर। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर में होता है तो कंप्यूटर में जितना भी उसमें डिवाइस लगाया जाता है, जितना भी उसमें डिवाइस लगाया जाता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है आउटपुट डिवाइस, एक होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है लेकिन ठीक है ये सबसे सबको समझ में आता है इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे, उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे होता है कि सब एकदम याद कर लेते हैं, इनपुट डिवाइस में ये ठीक है, आउटपुट डिवाइस में ये तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें होता है इसको लेते हैं आउट। ठीक है, तो आउट मतलब हम लोग पता है, ठीक है सभी कभी कभी बोल देते हैं गेट आउट, तो आउट मतलब होता है बाहर। ठीक है, बाहर जाना, तो समझ लेते हैं कि जो आउट होगा यानी जब कंप्यूटर से कुछ भी बाहर जाएगा, ठीक है, और हम लोग को दिखाई देगा सुनाई देगा या फिर हम किसी डाटा को जो उसमें इंफॉर्मेशन होता है उसको डाटा बोलते हैं, तो डाटा को जो हम लोग लेके किसी के साथ जाएंगे कहीं दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे, जैसे कंप्यूटर से मतलब बाहर निकलना, किसी भी तरह का चीज कंप्यूटर से बाहर निकालेंगे हम लोग उसको बोलेंगे आउटपुट, जैसे आउटपुट डिवाइस। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पेन ड्राइव, पेन ड्राइव से हम लोग लेके कुछ भी जा सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। उसके बाद हम लोग मॉनिटर, मॉनिटर से पिक्चर दिखाई देता है हम लोगों को, तो यानी हम लोग का कंप्यूटर में जो भी होता है वो पिक्चर वहां से निकल के आता है। उसके बाद स्पीकर ईटीसी, ठीक है, तो स्पीकर है उससे साउंड बाहर आता है। इसके साथ साथ ठीक है अब हम लोग देखेंगे इनपुट, तो इन मतलब होता है इन अंदर डालने, अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा हम लोग डालेंगे या फिर कुछ भी उसमें करेंगे, ठीक है, कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी प्रोग्राम है सब हम लोग जिसमें डाल देंगे कंप्यूटर के अंदर किसी तरीका से, उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, ठीक है, तो माउस और कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड हम लोग ले सकते हैं, इसके साथ और भी बहुत सारा है लेकिन ये इसके बारे में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इनपुट मतलब जिसमें इसमें डाल सकते हैं कुछ भी, जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हम लोग ए दबाते हैं तो मॉनिटर में हम लोग को ए दिखाई देता है, बी दबाते हैं तो बी दिखाई देता है, माउस भी हम लोग अगर उसको हिलाते हैं तो माउस से भी उसका जो कर्सर होता है वो इधर उधर जाता हुआ दिखाई देता है, यानी वो इनपुट डिवाइस है। यानी जितना कुल मिलाकर ये है कि अगर जो हम लोग कंप्यूटर से जो बाहर निकलता है उसका हम लोग बोलेंगे आउटपुट, और जो हम लोग उसमें कुछ भी डालते हैं तो हम लोग बोलेंगे उसको इनपुट। यानी दोनों को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर सोचने का सिर्फ फर्क है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखेंगे तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि सिंपल सा है। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, जैसे नॉर्मली एग्जांपल दिया हुआ रहता है, जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का दिया हुआ रहता है कि कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, तो आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो जाता है इनपुट है आउटपुट है दोनों है या फिर कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें तो आप तो पता नहीं हो ही गया होगा कि इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें से कुछ दबाते हैं तो कंप्यूटर में वो प्रेस होता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए ठीक है मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।
मेरा वीडियो देखने के लिए। और जैसा कि सब बोलते हैं तो हमको भी कहिए, हम भी बोलेंगे लाइक शेयर और बड़ा सा वर्ड है लिखेंगे नहीं वो टाइम लग जाएगा, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर ही देना, भूलना नहीं, कर ही देना, ठीक है, थैंक यू।